हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक नया रेसिपी लेके आए हैं। ये जो नाश्ता है इसको हम दलिया और सूजी से बनाएंगे, ठीक है? दलिया सूजी और चूड़ा से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने आधा कटोरी दलिया लिए हैं, फाइन दलिया है, आधा कटोरी दलिया, आधा कटोरी सूजी और ये एक कटोरी चूड़ा। इसको पीसने के बाद ये आधा कटोरी ही हो जाता है। तो तीनों को हम पहले मिक्सिंग जार में इसका पाउडर बनाएंगे, ठीक है? ये हमने दलिया को पहले डाल देंगे, ये इसका दाना थोड़ा मोटा मोटा होता है तो हम इसको पहले सूजी के साथ पीस लेंगे, सूखा ड्राई पीसेंगे, ठीक है? ये हमने पीस लिए हैं, एकदम फाइन मत कीजिए, थोड़ा सा दरदरा रहने दीजिए। इसको हम एक बड़ा सा बाउल में डाल देंगे। फिर हमने ये चूड़ा जो है उसको भी पाउडर बना लेंगे। ये एक कटोरी चूड़ा पाउडर बन के आधा कटोरी बन जाता है। तो हमने तीनों चीज़ों को आधा आधा कटोरी लिए हैं, ठीक है? इसको भी हम पाउडर बना लेंगे। ये लीजिए, अभी हम तीनों को मिला लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये नाश्ता। एक बार बनाने का रिक्वेस्ट रहा, वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें और अच्छे से बनाएं। ये तीनों को हमने मिला लिए हैं। अभी हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालें, तीखा और नमक दोनों आप अपने हिसाब से डालें। और एक चौथाई टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा स्पॉन्जी बनेगा, ज़्यादा मत डालें, थोड़ा सा ही डालें। ये नाश्ता ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी बनता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बड़ों के लिए भी। अभी जो गर्मी है इसके वजह से ये सब नाश्ता ज़्यादा अच्छा रहता है, गर्मी में रोटी बनाने का झंझट से बच जाए, रोटी बनाने का मन ना करे तो ये बना ले, ठीक है? हेल्दी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है और आसानी से बन भी जाता है। इसको हम पानी से भिगोएंगे, ठीक बैटर बनाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं, ये सूखा सूखा बनाएंगे। ये पानी पूरा सोख कर लिया है। अभी हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख लेंगे। और ये हमने थोड़ा सा सब्जी काटे हैं, ये गाजर ग्रेट करके डाले हैं, ये आपका टमाटर और ये प्याज और ये शिमला मिर्च, इन सबको हमने चॉप कर लिए हैं। इसको हम बैटर में डालेंगे, वो जो हमने सूजी दलिया और चूड़ा पानी में भिगो के रखे हैं उसको। ये लीजिए, 5 मिनट बाद हम लौटे हैं, सारा चीज़ फूल गया है, उसमें हम ये सब्जी डाल देंगे। पहले गाजर डाल देंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, फिर ये टमाटर डालेंगे, फिर ये प्याज चॉप किया हुआ, फिर ये पका हुआ मिर्च, मैंने लाल लाल पका हुआ मिर्च डाली हूँ। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो या फिर इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, ढेर सारा। आप तीखा अपने हिसाब से डालें, जितना तीखा आप पसंद करते हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये मिर्च स्किप कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार बनाएं। ये देखिए, मेरे को एक मग पानी ज़्यादा नहीं लगा, एक चौथाई 1/3 लगा, थोड़ा सा बच गया। इस तरह की आप बनाएं, इसको पतला बिल्कुल ना बनाएं, ऐसे बनाएं। चलिए रसोई में चलते हैं। ये हमने तवा में तेल ब्रश कर लिए हैं, अच्छे से तवा को गर्म करें और तेल ब्रश कर लें और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको बनाएं। हाई फ्लेम करोगे तो ये जल जाएगा।
ये एक एक बड़ा टेबलस्पून डाल दे और अच्छे से फैला दे इसको। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाएं और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कैसा रहा आपका ये नाश्ता, दलिया का नाश्ता। बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छे से इसको फैला दे और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको ढक के पकाए। इसको ढक दीजिए, एक मिनट के लिए ढक दीजिए। एक मिनट बाद हम लौटे हैं। ये देखिए ऊपर से सूख गया है और इसको पलटी मार दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, टाइम लगता ही नहीं। बहुत ही कम समय में अच्छा सा नाश्ता बन जाता है। ये लीजिए तैयार, आपका दलिया का नाश्ता तैयार। मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ये नाश्ता आपको कैसा लगा। फिर से तेल ब्रश कर लीजिए। इसी तरह से हमने सारा नाश्ता बना लेनी है। फटाफट इसको बनाएं, एकदम रखे मत, एकदम झटपट इसको मिलाएं और बनाएं। लीजिए एकदम फटाफट बन रहा है। बहुत ही टेस्टी, देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत ही सुंदर देखने में, खाने में उससे भी अच्छा। वीडियो स्किप ना करें, अच्छे से देखोगे और अच्छे से नाश्ता बनाओगे। और मीडियम टू लो फ्लेम में हमेशा खाना बनाओ ताकि खाना अच्छा बने। तैयार आपका दलिया की नाश्ता तैयार। दलिया से बनी ये नाश्ता, दलिया सूजी और पोहे से बना ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाएं और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कैसा रहा आपका ये नाश्ता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊँगी, तब तक के लिए बाय।